Okay, so class 9th, we are going to start today a new chapter of mathematics and very important chapter, and that is triangles. ठीक है, कुछ चीजें इसमें भी जैसे आप कह सकते हैं कि हटी हुई, जैसे प्रूफ. ठीक है, तो ज्यादातर थ्योरम्स के आपके सिर्फ मोटिवेशन है, मतलब उसको आपको समझना है. उसका प्रूफ इस साल हटा दिया गया. तो प्रूफ हम नहीं पढ़ने वाले, हम मोटिवेशन पढ़ेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे. लेकिन 30% जब हम सिलेबस कवर करेंगे उसमें इन प्रूफ्स को भी करेंगे, हम अलग से समझेंगे, क्योंकि अगले साल 10th में कोई भी सिलेबस जो है वो कम नहीं होगा. वो इस साल के लिए था या है, तो ये सारे प्रूफ्स जानना बहुत जरूरी होता है, करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो क्योंकि हम पहले 70% पे फोकस कर रहे हैं, तो इन थ्योरम्स को समझेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वॉइस क्लियर नहीं है सबको? वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है? पीयूष बेटा आप रीज्वाइन कर लीजिए, एक बार छोड़ के रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से इशू होता तो सबको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, एक बार रीज्वाइन कर लीजिए छोड़ के. तो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल बेसिकली क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं. ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल हमारा एक पॉलीगन है. ठीक है, ट्राइंगल हमारा क्या है? एक पॉलीगन है. ठीक है, और इस पॉलीगन के कितनी साइड्स होती हैं? वी हैव द थ्री साइड्स. दिस ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिसेस एंड दिस ट्राइंगल हैज नो डायगनल्स, यानी कोई डायगनल आप ट्राइंगल में नहीं बना सकते. तो तीन साइड्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल्स के. ठीक है, उसके बाद जो हम इस चैप्टर में अब स्टडी करने वाले, मींस थ्री एंगल्स, ऑब्वियसली थ्री एंगल्स भी होते हैं. वी हैव थ्री एंगल्स. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. अब देखो कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं? ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, मींस एक सिंपल लैंग्वेज में कॉपी को, मींस एकदम एग्जैक्ट कॉपी है. ठीक है, कॉपी को हम बोलते हैं. क्लियर, क्लोन को हम बोलते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि जितने भी आपके बैंक्स होते हैं, अगर SBI की बात करें, ठीक है, SBI की बात करें तो उनके जो ATM कार्ड्स होते हैं वो एकदम एक जैसे होते हैं. ठीक है, एक जैसे होते हैं एकदम. क्लियर, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC. ठीक है, और हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है PQR. इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो अगर ये एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, ठीक है, एंगल C एंगल R के बराबर, तो देखो तीनों एंगल्स इक्वल है, यानी A P के बराबर है, B Q के बराबर है और C R के बराबर. इसी तरीके से ये जो साइड AB है ये PQ के बराबर है, AC PR के बराबर है, BC QR के बराबर. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एकदम एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, एक दूसरे कॉपी. जैसे जब हम मिरर में, प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, ये प्लेन मिरर है. ठीक है, तो अब यहां पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी जो इमेज बनती है अंदर इमेज मिरर के, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है. ठीक है, सेम हाइट, सेम डिस्टेंस, सेम साइज होती है कि नहीं होती है? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स. टाइप इन द चैट बॉक्स, होती है?
यस एवरीवन, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। मीन्स जो एकदम एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, नो चेंज। तो उसी तरीके से जब हम फिगर्स में ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनके सारे एंगल्स यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि ए बी के सामने पी क्यू है तो ये बराबर, ए सी के सामने पी आर है तो ये बराबर, बी सी के सामने क्यू आर है ये बराबर। तो जब ये साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी, और एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी का? ठीक है, जैसे यहां पे दो स्क्वायर्स दिए हुए, ये वाला एक स्क्वायर दिया हुआ, ये वाला एक स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो हम इन दोनों स्क्वायर्स को देखेंगे, तो ये दोनों स्क्वायर्स एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन लगता है वो क्या लगता है? इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, मींस दो पैरेलल लाइंस और इसके ऊपर ऐसे वेव, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। तो अगर ये दोनों स्क्वायर मैंने लिखा, अगर मान ली दो ट्राइंगल है, जैसे ये स्क्वायर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बीच में ऐसे लगा दी, जैसे अभी ट्राइंगल हमने डिस्कस किया, तो ट्राइंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू, हाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे नीचे हमें दिख रहा है, यहां पे, तो अब इन चारों स्क्वायर्स को आप देखिए, इन चारों स्क्वायर्स का साइज अगर आप देखिए, तो देखो अगर आप फर्स्ट को देखो, फर्स्ट को और फोर्थ को, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में देखो साइड्स इक्वल है और एंगल सबके सब 90-90 होंगे, भाई स्क्वायर है तो 90 तो होगा, ये भी 90-90-90। तो यहां पे फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है वो फोर्थ वाले के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन बाकी सेकेंड और थर्ड जो है वो किसी के एक दूसरे के भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ना फिर वो फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखो साइड में क्या आ गया? चेंज आ गया, ठीक है। सो दे आर नॉट द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहते हैं? जो एग्जैक्टली क्या होते हैं? दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर। तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड व्हाट? द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। जैसे यहां पे ट्राइंगल दिया हुआ, अब यहां पे कई सारे ट्राइंगल दिए हुए हैं, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, ठीक है, ये सब दिया हुआ, क्लियर। नाउ विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अगर आप देखें फर्स्ट को, तो यहां पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहां पे ये 5 सेंटीमीटर है, इसका एक और साइड 5 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल में ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। समझ रहे चीज को? तो यहां से क्या पता चला? फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड वन, ठीक है। और ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर हमें यह देखना पड़ रहा है कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें किस पे फोकस करना है? देखो किस पे फोकस करना पड़ रहा है? साइड्स पे और एंगल्स पे, ठीक है, साइड्स पे और एंगल्स पे, ठीक है, हमें फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमें दो चीजें देखनी है, एक तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, दो चीजें हमें यहां पे देखनी। तो और कौन बताएगा कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? ये सेकेंड वाला किसके कॉन्ग्रुएंट है? चलो बताओ सेकेंड वाला किसके कॉन्ग्रुएंट है? किस किसके कॉन्ग्रुएंट है ये बताओ? जल्दी से सेकेंड वाला फोर्थ के कॉन्ग्रुएंट है,
फर्स्ट और थर्ड के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, देखो अब यहां पे गौर से देखें, यहां पे 4 सेंटीमीटर है, यहां भी 4 सेंटीमीटर है, यहां भी 4 सेंटीमीटर है, यहां भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ट्रायंगल के पास भी 4.5 सेंटीमीटर साइड, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और इस वाले में भी 4.5 सेंटीमीटर, यानी चारों के साइड बराबर। उसके बाद अगर हम गौर से देखें तो देखो इसके पास भी थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके पास भी थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है, इसके पास भी थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है, और इसके पास भी थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये चारों, यानी कि ये जो फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड, इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, इज कॉन्ग्रुएंट टू फोर्थ, ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बट फिफ्थ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइड्स हैं वो क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल देखने के लिए हम देख रहे हैं क्या, वॉट वी आर सीइंग, साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे देखो इस पॉइंट को समझना है, यहां पे सीपीसीटी, अब दो ट्राइंगल्स हमने बनाए, फॉर एग्जाम्पल एबीसी और पीक्यूआर। तो इसीलिए जब हम प्रूफ करते हैं इस चैप्टर में, जब प्रूफ लिखेंगे तो जब फाइनली प्रूफ कर देंगे जो पूछेगा, तो उसके आगे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके आगे हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा सीपीसीटी। जैसे हमें यहां ये प्रूफ करना था, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना था कि ये ट्रायंगल एबीसी, यानी ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ करेंगे, थ्योरम से जो आगे पढ़ेंगे, फिर आगे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, बाय सीपीसी, दैट इज सीपीसी, ठीक है, दैट इज corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। देखो it is necessary to write the correspondence of vertices correctly for writing of congruence of triangles in symbolic form, यानी symbolic form में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमें उसको mention करना पड़ेगा कि whether it is the corresponding part or not। जैसे देखो क्लियर, अब यहां पे ए बी पी क्यू के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ठीक है। तो अब जब ये गिवन होगी कंडीशन, तो जब हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब देखो जब यहां पे AB इज इक्वल टू PQ लिखेंगे, AB PQ क्यों है इक्वल, व्हाई इट इज इक्वल, व्हाई इज इक्वल, क्यों, क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, गुड इवनिंग, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसी वजह से तो इक्वल है। तो यहां पे वही चीजें जब हम मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कि जब हम ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जैसे हमने लिखा है पे ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हो गया, एंगल ए एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर, ये एंगल्स हो गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, बी सी क्यू आर,
तो यहां पे जब एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अगर हम ये लिखें, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से ए बी पी इक्वल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, सीपीसी और क्लियर हो जाएगा यहां पे। देखो अब जैसे मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है। एक कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम होता है साइड एंगल साइड, अभी हम बाद में इसको डिटेल में समझेंगे, सीपीसीटी को समझ रहे हैं कैसे लिखना है, अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये गिवन है क्या कि एबी जो है वो पीक्यू के बराबर है, एसी जो है वो पी आर के बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो देखो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसके बीच का एंगल इक्वल होता है तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करो कि ये बी सी क्यू आर के बराबर है। तो क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर है, एक साइड बराबर हो गई, ए सी पी आर के बराबर है, दूसरी साइड भी इक्वल हो गई और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो इस वजह से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिए, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका थर्ड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सी पी सी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने प्रूफ कर दिया तो अब उसके जो बचे हुए पार्ट है अगर इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसके जो रेस्ट पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल प्रूफ करना है तो हमने पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद लिखा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से ये थर्ड वाली साइड भी इक्वल होगी। तो इसको एक लाइन में सम अप करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सीपीसीटी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो इस वजह से इक्वल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, और जब अभी प्रूफ में जब यूज करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे हमें यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं क्राइटेरिया पे। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, इतनी देर से हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए दो चीजें, एंगल्स और साइड्स। अब कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होता है इसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं आपके सामने, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी, तो साइड एंगल साइड का क्या मतलब हो इसको समझिए, सेम सीक्वेंस। क्या मतलब, अगर ये दो ट्राइंगल आपके सामने बने हुए हैं और ये कह रहा है कि पी क्यू ए बी के इक्वल है, पी आर ए सी के इक्वल है और एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, मींस एक साइड दी हुई है इक्वल, एक एंगल दिया हुआ है, मैं एंगल को ऐसे डिनोट कर दे रहा हूं, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है और फिर उसी से लगी हुई तीसरी साइड भी इक्वल है। तो जब ये कंडीशन मिल जाएगी जिन दो ट्राइंगल्स में, या जिन ट्राइंगल्स में, दो नहीं जिन ट्राइंगल्स में, तो ये दोनों ट्राइंगल फिर क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। देखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब दो साइड और उसके बीच वाला एंगल। ये नहीं क्या कि ये कह रहा है कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो क्या साइड एंगल साइड है ये, नहीं ये साइड एंगल साइड नहीं है। साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड्स इक्वल दी हुई हो और उस दो साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल दिया हुआ हो तब ये साइड एंगल साइड वैलिड होगा, एक्टिवेट होगा, वरना नहीं, और वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे।
तो साइड एंगल, साइड का मतलब क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों साइड और उसके बीच का मतलब इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, तब वो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये मतलब होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल का। तो जिन दो ट्राइंगल के बीच में हमें दो साइड इक्वल मिल जाए और उनके बीच का एंगल इक्वल मिल जाए तो हम उस दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे 30% में। तो यहां पे ये कह रहा है कि साइड एंगल साइड मतलब कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, अलग वाला एंगल नहीं, उसी के बीच वाला अगर एंगल गिवन है, अगर उसके अलग वाला एंगल गिवन है तो वो अगर दूसरी प्रॉपर्टीज में फॉल कर रहा है तो ठीक है, वरना वो कॉन्ग्रुएंसी रूल है ही नहीं। ठीक है, मतलब वो वैलिड नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं दैट इज साइड एंगल साइड। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज एग्जाम्पल वन। अब एग्जाम्पल वन को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है, एक फिगर दी हुई है आपके सामने, उसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए, ये है डी, ये ओ, ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए इन फिगर 7.8 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है, यानी ओ ए ओ बी के इक्वल है। तो पहले जो गिवन है, जब भी प्रूफ करना होता है तो हमें ये लिखना होता है गिवन एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, व्हाट इज गिवन, गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है। ठीक है, ये हमने लिख लिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, और क्या गिवन है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है। ये कह रहा है कि शो दैट, बट ये दो चीजें गिवन है। ठीक है, शो दैट, अब देखो यहां पे इसलिए हम इसीलिए दोबारा ट्राइंगल बनाना या डायग्राम बनाना क्यों जरूरी होता है, वो इसीलिए जरूरी। अब देखो यहां पे ये एंगल पहले से मेंशनड है, क्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ था? क्या कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एंगल्स के बारे में, BOC या AOD के बारे में? इसीलिए जब हम गिवन या प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो डायग्राम इसीलिए दोबारा बनाते हैं, ताकि बने हुए डायग्राम में हमें कंफ्यूजन होता है। तो डायग्राम जब दोबारा बनाते हैं शुरू से और क्वेश्चन को साथ साथ समझते जाते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन समझ में आता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बनिस्बत इसके कि पहले डायग्राम खट से बना दिया। यानी आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम को बनाते जाओ, तो फिर देखो आपको सब सिचुएशन समझ में आ जाएगी क्या चल रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ। तो हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, इसको प्रूफ करना है। सेकेंड प्रूफ हमें क्या करना है, AD इज पैरेलल टू BC। अब देखो दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, अब देखो पिछले वाले चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया ना, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दो लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर जो आपके पैरेलल लाइन के जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं वो अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो फिर वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो इस चैप्टर में पिछले चैप्टर को कनेक्ट कर रहा है। तो अब यहां पे सबसे पहले हम प्रूफ पे आते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की यहां भी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं, जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल हो गया। एक ये ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल हो गया, क्लियर। हमें जिनको इक्वल प्रूफ करना है, तो एक तो आपके जहन में वो चीज आ जानी चाहिए कि हाँ जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो देखिए हमारे क्राइटेरियाज मिल रहे हैं कि नहीं। तो देखो यहां पे एक साइड बराबर है दूसरी साइड के, ठीक है, OA इज इक्वल टू OC, OB, OC इज इक्वल टू OD गिवन है, ये गिवन है। और हमें क्या मिल रहा है, देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स यानी दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे।
तो जब इक्वल हो जाएंगे तो देखो यहां पे दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो यहां पे साइड एंगल साइड वैलिड है, यानी लग रहा है, लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिन दो ट्राइंगल्स को हमें देखना होता है या फिर समझना होता है, ठीक है, तो अब उनको मेंशन करते हैं, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल। अब देखो जब इसको मेंशन करते हैं ना, ट्राइंगल्स को लिखते हैं, तो ट्राइंगल्स को लिखने का एक तरीका है। अब जैसे हमने लिखा यहां पे एओडी, अब देखो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल बी है, ओ के करस्पॉन्डिंग ओ ही है, और डी के करस्पॉन्डिंग सी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बीओडी, यानी ए के करस्पॉन्डिंग बी, O के करस्पॉन्डिंग O और D के करस्पॉन्डिंग सॉरी BOC हो जाएगा, BOC। BOC ठीक है, D के करस्पॉन्डिंग C, ये तरीका होता है। ठीक है, अब उन दो ट्राइंगल्स को जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो लिख दिया। अब जो साइड्स आ रही हैं, दैट इज AO इज इक्वल टू OB। अच्छा, अब यहां पे इसके आगे लिखेंगे सिंस गिवन, ये गिवन था, इसी तरीके से OC इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है, सिंस गिवन, ठीक है, ये भी गिवन है, और एंगल इसको 1-2 लिख दे रहे हैं आसानी के लिए, इसको 1 इसको 2, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अब यहां पे साइड एंगल साइड लग जाएगा, तो यहां लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ट्राइंगल, क्या था, दैट इज ट्राइंगल ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी। वेयर इट हैज गॉन, ठीक है, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब यहां पे सीपीसीटी लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस ट्राइंगल को बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, अब इसके आगे नहीं प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, अब इसके पार्ट्स को इक्वल प्रूफ कीजिए। तो जब पार्ट्स को इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद पार्ट्स को जब करेंगे तब सीपीसीटी मेंशन करेंगे, वही समझ में आ गया। तो अब यहां पे हमने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय बाय दैट इज SAS। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ये दो लाइंस कौन सी, दिस वन, ठीक है, AD और BC, ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब देखो जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सारे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, यस और नो, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग मैं बार बार कह रहा हूं, करस्पॉन्डिंग आमने सामने के करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब आपने ये प्रूफ कर दिया तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो
अब सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे AD इज पैरेलल टू BC। अब सेकेंड को जब प्रूफ करेंगे तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं सिंस ट्राइंगल AOD इज congruent टू ट्राइंगल BOC, सो देयरफोर एंगल A, फिर से मैं शो कर दे रहा हूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इक्वल होगा। ठीक है, Y, अब देखो लिखेंगे यहां पे CPCT। तो अब CPCT को यूज समझ में आ गया कहां करना है, जब आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो तो आप कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लगाओगे, उसके बाद क्वेश्चन में अगर उसके आगे पूछ रहा होगा, पार्ट्स को पूछ रहा होगा इक्वल प्रूफ करो, तब जब ट्राइंगल को आपको, भाई जाहिर सी बात है किसी भी पार्ट्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है तो पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल को प्रूफ करने के बाद अब जिन पार्ट्स को भी इक्वल आप लिखोगे तो उसके आगे लिखना पड़ेगा CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है एंड बोथ आर वॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो देयरफोर क्या हो जाएगा, AD will be parallel to BC। क्यों? क्योंकि यहां पे जो दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है दैट इज AD BC फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे, तो जब दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन के इक्वल भी होते हैं तो ऑब्वियसली वो लाइन, जो दो लाइन जिनके बीच में वो एंगल बन रहे हैं वो पैरेलल हो गए। पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जांपल समझ में आ गया, सेंड अ मैसेज टू एवरीवन हियर, कैसा आदित्य मैसेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीख लिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल और कहां पे हमें CPCT लगाना है, ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल टू पे। ठीक है, एग्जाम्पल टू पे अब देखिए एग्जाम्पल टू में क्या कह रहे हैं, जस्ट टू मिनट ब्रेक, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ वॉटर नाउ। आपको एग्जाम्पल टू में क्या बोल रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज द फिगर, एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो लाइन N है, L है, एक तो ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, मतलब AC इज इक्वल टू CB, ठीक है, AC इज इक्वल टू CB। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब हमें ये शो करना है कि AP डिस्टेंस और PB डिस्टेंस या BP डिस्टेंस बराबर है, ये शो करना है। पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो जब ये हमें, अब जाहिर सी बात है हमें शो क्या करना है, AP इज इक्वल टू PB, तो मैं यहां पे पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या गिवन है, AC इज, जो जो गिवन है वो लिखेंगे, AC इज इक्वल टू CB, एक तो ये गिवन है, ठीक है, सेकेंड क्या गिवन है, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PCA इज इक्वल टू 90 degree, ये गिवन है, ठीक है, एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PCA इज इक्वल टू 90 degree, क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू BP, ये हमें प्रूफ करना है कि P जो है इक्विडिस्टेंट है A और B से। अब देखो यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन भी करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, अब जब हमें AP और BP प्रूफ करना है तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन किया जाते हैं तो क्या किया जाता है, ये देखा जाता है वो साइड्स या वो एंगल्स जिनको हमें इक्वल प्रूफ करना है किन दो ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो साइड है AP वो इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है और PB इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, तो अगर इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनके साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे।
तो अब जिन वो साइड्स जिन ट्राइंगल में लाई कर रहे थे उन ट्राइंगल को लिया इन ट्राइंगल पी सी ए, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स वो सही है कि नहीं, मतलब रूल उसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हमने चूज किया पी सी ए एंड पी सी बी, देखो सीक्वेंस वही रखेंगे, हम ये नहीं लिख सकते पी सी ए और बी सी पी नहीं लिख सकते, क्योंकि पी के करस्पॉन्डिंग पी है, ए के करस्पॉन्डिंग बी है और सी के करस्पॉन्डिंग सी है, तो इसलिए पी सी ए एंड पी सी बी। ठीक है, अब क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी बी, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए सिंस 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो एक साइड इक्वल गिवन है और एंगल, दूसरी साइड तो अब दी नहीं हुई है, तो साइड एंगल साइड कैसे लगाए। तो देखो जब दो ट्राइंगल्स की साइड्स कॉमन होगी तो पी सी कॉमन हो जाएगा, देयर विल बी पी सी इज इक्वल टू पी सी, क्यों, सिंस कॉमन, कॉमन साइड हमेशा बराबर होगी। तो अब देखो यहां पे आ गया साइड एंगल साइड, दो साइड्स इक्वल हो रहे हैं और उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल है, कोई दूसरा एंगल नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल जो हमने मेंशन किया था, ठीक है, पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी बी। ठीक है, अब देखो अब ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एपी और पीबी, एपी और पीबी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके पार्ट्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे यहां पे सीपी सीटी, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पी पॉइंट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इक्विडिस्टेंट है। पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो हमने सीखा साइड एंगल साइड के बारे में, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्या कहता है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनका एक एंगल और दूसरा एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और इन दो एंगल्स के बीच की साइड इक्वल हो। पॉइंट को समझिएगा, तो बाय एंगल, ये देखो एंगल साइड एंगल, यानी जो हमने साइड एंगल साइड पढ़ा उसी का रिवर्स। तो अगर ये सिचुएशन मिलती है एंगल साइड एंगल किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के बीच में, यानी दो एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच वाली साइड अगर इक्वल हो, तो एंगल साइड एंगल हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने सीखा साइड एंगल साइड और एक इसी का ऑपोजिट, दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो देखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो 30% में हम देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड आते हैं, थर्ड कौन सा, पहला हमने क्या पढ़ा साइड एंगल साइड, दूसरा क्या पढ़ा एंगल साइड एंगल, तीसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है। तो इसका मतलब जितने रूल्स हमारे सामने आते जा रहे हैं उन रूल्स में से जो फिट हो जाएगा वो हमें लगाना है
और हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है या उसके पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर इंक्लूडेड साइड इक्वल होगी तब तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। इंक्लूडेड साइड के अलावा कोई भी साइड, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई या ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो इसको हम कहते हैं, देखो, एंगल, एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। पॉइंट समझ में आ गया, या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो हमने कितने सीखे, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। तो ये तीन कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमने सीखे। अब इन कॉन्ग्रुएंसी रूल को हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई ऑन द क्वेश्चंस एंड द एग्जांपल्स। जैसे यहां पे कह रहा है एग्जाम्पल थ्री, अब देखिए एग्जाम्पल थ्री में क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ये गिवन है, तो हम गिवन लिख लेते हैं। तो पैरेलल है तो पैरेलल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और जो अप्लाई होगी, जो जरूरत है जिसकी, वो लगाएंगे। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओडी, सॉरी एडी, यानी ओ जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये गिवन है। क्या गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ठीक है। आगे क्या है, अब और कुछ नहीं गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, what we have to prove, we have to prove that triangle AOB is congruent to triangle DOC. कौन से triangle AOB और DOC, ये हमें congruent prove करना है। Second हमें क्या prove करना है, O is also the midpoint of BC, मतलब हमें CO is equal to BO prove करना है, ठीक है। Now coming to proof, अब देखो जिन दो ट्राइंगल्स को करना है प्रूफ, पहला वाला लेते हैं, उन ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, और ट्राइंगल डी ओ सी, ये वाला। अब हमने कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल सीखे, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। अब देखो तीनों में से जो अप्लाई होगा वो अप्लाई कर देंगे, तो एक साइड गिवन है यहां पे, AO इज इक्वल टू OD, ये गिवन है, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या क्या हिडन इंफॉर्मेशन, तो यहां पे लिख दिया AO इज इक्वल टू OD, OD सिंस गिवन, ठीक है, सिंस गिवन। अब उसके बाद देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, ठीक है। और देखो ये वाला एंगल क्यों, कैसे होगा ये वाला एंगल, बी और सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स या पार्ट्स है, जिन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है उन्हीं दो ट्राइंगल्स में ढूंढना है। तो देखो यहां पे एंगल एंगल साइड हम लगा सकते हैं, तो इसको हमने 1, 2 मेंशन कर दिया और इसको हमने 3 और 4 मेंशन कर दिया। तो यहां पे लिख दिया एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्यों, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सिंस क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय
एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम देखिए क्या हो जाएगा ट्राइंगल AOB will be congruent to triangle DOC ठीक है तो जिन दो ट्राइंगल्स को हमें congruent प्रूफ करना था उन ट्राइंगल्स का हमने क्या निकाल लिया उन ट्राइंगल्स के बीच में जो congruency रूल अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करने की कोशिश किया और उनके corresponding एंगल्स या पार्ट्स जो वैलिड है जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे मिल गया और यहां पे alternate इंटीरियर मिल गया ठीक है तो एंगल एंगल साइड से दोनों कोरिस्पॉन्डिंग अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ठीक है तो ये वाला जो साइड है ये वाला साइड ओ सी और बी ओ ये इक्वल हो जाएगा यस और नो ठीक है तो यहां पे क्या लिखेंगे सेकेंड में सिंस थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं देखिए यहां पे क्या लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AOB इज congruent टू ट्राइंगल DOC क्योंकि पहले पार्ट में हमने प्रूफ किया सो देयरफॉर CO क्योंकि COC दो ट्राइंगल्स का पार्ट है और BOC दो ट्राइंगल्स का पार्ट है जो congruent है यहां पे लिख देंगे CBC ठीक है अब यहां आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर आपके टीचर सेम क्वेश्चन दे आपको करने के लिए आपका टीचर सेम क्वेश्चन दे लेकिन फर्स्ट पार्ट ना दे डायरेक्ट सेकंड पार्ट दे तो देखो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पे डिपेंडेंट है इसीलिए अगर आपका टीचर सेकंड पार्ट भी देता है प्रूफ करने के लिए तो सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद आके फाइनली प्रूफ करेंगे पॉइंट समझ में आ रहा है अगर सेकेंड पार्ट ही सिर्फ देता है तो सिर्फ ये दो ठीक है सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पे डिपेंडेंट है वो तो फर्स्ट पूरा हम सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे हैं और उसके बाद सिर्फ सेकेंड वाले को हम उसके आगे कंटिन्यू करके अपना सॉल्यूशन कर देंगे ठीक है हाँ वहां पे ये भी नहीं करेंगे फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट क्यों क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ ये पार्ट दिया होगा तो वहां पे सिंपल आप यहां से स्टार्टिंग करोगे और यहां पे लाके एंड करोगे बस वहां पे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अलग अलग नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में पार्ट्स नहीं दिए होंगे मतलब हो सकता है पार्ट ना दिया हो पार्ट दे भी सकता है तो अगर सेकंड पार्ट डायरेक्टली पूछेगा फर्स्ट पार्ट को दिया ही नहीं होगा तब भी हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके सेकंड पार्ट तक आना है ये पॉइंट क्लियर हो गया ये पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है ओके लेट मी सी हु आर प्रेजेंट ओके देन आज इतना ही स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय